हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर में। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट रिड फ्रॉम द जेलसी। जेलसी, जलन, कभी कभी यदि किसी व्यक्ति के मन में जेलस का भाव आता है तो वह स्वाभाविक है, नेचुरल है। मगर जब जेलस आप पर इतनी हावी हो जाए कि आप उसी के बारे में सोचते रहें और अपनी सिचुएशंस को अप्रिशिएट ना कर पाएँ, तो यह एक समस्या बन सकती है। और यह समस्या आपको भावात्मक और सामाजिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचाएगी। जलन और जेलस की भावना जब व्यक्ति के मन में घर कर लेती है तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सेल हो जाता है, या उसमें डरा हुआ भाव आ जाता है, उसके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है। ऐसा तब होता है जब आप खुद को अन्य से कंपेयर करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं। परंतु आप छोटी छोटी चीज़ों को करके इस जेलस के भाव से बाहर आ सकते हैं। उसमें सबसे पहला तो यही है कि जेलस के बजाय आप उसे स्वीकारो। क्वेश्चन यह है कि क्या आपका फ्रेंड आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है या रिच है? तो जेलस से कुछ नहीं होगा, और जेलस की कोई भी वजह हो सकती है। वैसे अक्सर यह भावना टीनेजर्स में ज़्यादा देखी जाती है। बजाय उनसे जेलस करने के, आपको यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि यदि वह इंटेलिजेंट है तो वह क्यों है और वह स्टडी कैसे करता है। और आपको भी उससे सीखकर अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। तुलना, कंपैरिजन और कंपटीशन। हम अक्सर कंपटीशन और कंपैरिजन के बीच फ़र्क नहीं कर पाते, जबकि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक हेल्दी कंपटीशन करने में सबको बड़ा आनंद आता है, बड़ी हैप्पीनेस मिलती है। इसमें जो जीत जाता है वो विनर बन जाता है। पर जब आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं किसी और से, तो आपको जलन होने लगती है। परंतु जेलस करने की बजाय आपको उससे ये सीखना चाहिए कि वह मुझसे अच्छा कैसे है, और आपको कोशिश करनी चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों की मदद लें, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके प्रिय हैं, जिनके साथ आपको खुशी मिलती है, जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, उनसे मिलिए। अकेलेपन से भी जेलस की भावना आ सकती है। अपनी खासियत गिनें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप से प्यार करना सीखें, खुश रहने की कोशिश करें। यदि किसी चीज़ में कामयाबी नहीं मिली तो दुखी ना हों, क्योंकि लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपनी खासियत को अप्रिशिएट करें, और अपने पर बिलीव करें। ओवर कॉन्फिडेंस मत कीजिए। चीज़ों को अनदेखी करना, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखी करना भी अच्छा होता है। एक्सरसाइज करें, योगा करें, या अन्य कोई हॉबी अपनाएं, मेडिटेशन करें। यदि आपके मन में बहुत नेगेटिव विचार आ रहे हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेडिटेशन करें। इससे आपका मन शांत होगा और आपके मन में जो नेगेटिव विचार आते रहते हैं वह कम आएंगे। आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपके गुस्से में कमी होगी।
प्यार से काम लें। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी इंसान में कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं तो उसी व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष गुण भी हैं जो उसको दूसरों से अलग बनाते हैं। यदि आपका मित्र स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हो सकता है कि आप अच्छे डांसर हों या आप अच्छे सिंगर हों। आप अपनी एडवांटेजेस को पहचानें और उन्हें एप्रिशिएट करें और दूसरों की खूबियों से भी प्यार करें और उनसे सीखें बजाय उनसे जेलस करने के। धन्यवाद करना सीखें बजाय दूसरों से जेलस करने के। आप भी उनसे कुछ सीख कर अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद करें, दूसरों की हेल्प करें, इससे आप दूसरों की नज़रों में तो अच्छे इंसान बनेंगे ही बल्कि आप अपनी नज़रों में भी एक अच्छे इंसान बनेंगे। यदि किसी के अंदर कोई अवगुण है तो वहीं उस व्यक्ति के अंदर कुछ खास गुण हैं जो उसे दूसरे व्यक्तियों से अलग पहचान बनाने में मदद कर सकते हैं। आप भी दूसरों से जलन करने के बजाय अपने एडवांटेजेस को पहचान कर श्रेष्ठ बन सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और आगे बढ़ते रहिए, कोशिश जारी रखिए। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है परंतु सीख बहुत बड़ी है। जैसे कौआ हंस को देखकर सोचता है कि मैं कितना बदसूरत हूँ और ये हंस सफ़ेद चमकता हुआ कितना सुंदर है, परंतु कौआ यह नहीं जानता कि वह जिस प्रकार खुले नीले आसमान में उड़ सकता है, हंस नहीं उड़ सकता। इसी प्रकार सभी के अंदर कोई ना कोई एडवांटेजेस हैं। केवल सही एडवांटेजेस को पहचान कर, गुणों को पहचान कर आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके कुछ बहुत ही अच्छे कोट हैं। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। यानी कि गॉड आवर क्रिएटर हैज गिवन अस अनलिमिटेड पावर्स एंड कैपेबिलिटीज इन आवर माइंड एंड पर्सनैलिटी। द प्रेयर ऑफ गॉड हेल्प अस टू डेवलप दीज पावर्स। तो दोस्तों, आप भी अपनी एडवांटेजेस को पहचान कर, अपने गुणों को पहचान कर अपने जीवन को बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बना सकते हैं बजाय दूसरों से जलन करने के। आप उनसे सीखें और अपने जीवन को उत्तम बनाएं। इसी के साथ मैं दीपिका इजाज़त लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, सपोर्ट मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।